क्या डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में हम कार्बोकेटायन और कार्बेन आयन की स्टेबिलिटी, और आज डिस्कस करेंगे एसिडिक की स्ट्रेंथ। तो नया टॉपिक डाल दीजिए, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल दिए हों और उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना हो कि कौन सा ज्यादा एसिडिक है, कौन सा कम एसिडिक है। हमने पहले भी क्वेश्चन किया है एसिडिक स्ट्रेंथ का, लेकिन वहां पर हम केवल इंडक्टिव के बेसिस पर कर रहे थे। यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लगेंगे, इंडक्टिव, रेजोनेंस, मेजोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन, एरोमेटिसिटी, सभी के कंबाइंड इफेक्ट, और फिर उसके बेसिस पर कंपेयर करेंगे कौन सा ज्यादा एसिडिक है, कौन सा कम एसिडिक है। जैसे CH3 CH2OH है एल्कोहल, फिनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड, और सल्फोनिक एसिड। अब इन चारों में हमें अगर ये कंपेयर करना है कि चारों में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, तो एसिडिक की स्ट्रेंथ का बड़ा सिंपल सा फंडा है। आप इन सभी से हाइड्रोजन प्रोटॉन निकाल लीजिए, एनायन बना लीजिए, और ये देख लीजिए कहां पर एनायन ज्यादा स्टेबल है। जहां पर एनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, वहां पर कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। जैसे यहाँ पे एच प्रोटॉन निकलने के बाद जो एनायन बनेगा वो CH3 CH2 O निगेटिव बनेगा। फिनॉल में जो एनायन बनेगा वो फिनॉक्साइड आयन बनेगा। यहाँ पे एसीटेट आयन CH3 सी डबल बॉन्ड O निगेटिव, और यहाँ पर सल्फोनेट आयन CH3 एस डबल बॉन्ड O निगेटिव। अब इन चारों में अगर देखा जाए कि सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी है, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा चारों एनायन में ज्यादा स्टेबिलिटी कौन सा है। यहाँ पे निगेटिव आयन रेजोनेंस में नहीं है, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पे निगेटिव आयन रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, यहाँ पर भी निगेटिव आयन रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, और यहाँ पर भी निगेटिव आयन रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। अब अगर हम बात करें सिर्फ 3 और 4 की, तो 3 और 4 में निगेटिव चार्ज, 3 और 4 में, 4 में ज्यादा रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज तीनों ऑक्सीजन पर जाएगा, तो पर एटम नेगेटिव चार्ज 1/3 आएगा। यहाँ पे 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। कैसे? क्योंकि एक बार नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे आएगा, एक बार इस ऑक्सीजन पे आएगा, तो इक्वली 3 एटम्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहां पर भी देखें तो जब अगली बार इस पे जाएगा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आइडेंटिकल बनेंगे, कितने? 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब यहां पे जब रेजोनेंस होगा तो नेगेटिव चार्ज इस एटम पे आएगा, इस एटम पे आएगा, इस एटम पे आएगा, ठीक है। तो अब नए जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, यहां पे नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। कैसे? क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पर जा रहा है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो ज्यादा बनेंगे बट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम स्टेबल बनेंगे। ध्यान रखिएगा, किसी भी मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी के लिए ये मैटर नहीं करता कि कितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, बल्कि मैटर ये करता है कि कितने ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। जैसे मान लीजिए इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, इसके 2 ही बनते हैं, लेकिन इसके दोनों हाईली स्टेबल है, क्योंकि दोनों में नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर आ रहा है, दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट है। तो अगर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं तो वो कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पर जा रहा है, तो नेगेटिव चार्ज की रेजोनेंस में जाने की टेंडेंसी कम है, और इसीलिए यहां पर फिनोक्साइड आयन के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने के बाद भी वो एसीटेट आयन से कम स्टेबल है। तो
अब अगर देखें तो सबसे ज्यादा स्टेबल है सल्फोनेट आयन, बिकॉज थ्री इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फिर एसीटेट आयन टू इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फिर ये वाला क्योंकि यहाँ पे नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, और जहां कहीं पर भी नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे वो कंपेरेटिवली कम स्टेबल होगा, भले वहां पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का नंबर ज्यादा हो, और यहाँ पे तो बिल्कुल भी रेजोनेंस ही नहीं है। तो ये हो जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ एनायन का सीक्वेंस, और जो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन का सीक्वेंस होगा वही सीक्वेंस एसिडी की स्ट्रेंथ का भी होगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम एसिडी की स्ट्रेंथ देखें तो एल्कोहल अगर एक है और एक फिनॉल है, देन फिनॉल इज ऑलवेज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। फिनॉल से भी ज्यादा एसिडिक होगा एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज्यादा एसिडिक होगा सल्फोनिक एसिड। तो सल्फोनिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर फिनॉल और फिर एसिड। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। ये है बेंजोइक एसिड, ये है फिनॉल, ये है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और ये है साइक्लोहेक्सेनॉल। अब अगर हमें यहां पे देखना है कि इन चारों में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है, तो हमें सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखनी है कि सल्फोनिक एसिड इज ऑलवेज मोर एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल एंड एल्कोहल। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जो सबसे ज्यादा एसिडिक है वो है थर्ड। अब ये है फिनॉल और ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होगा तो थ्री के बाद वन, ये है फिनॉल और ये है एल्कोहल, और फिनॉल और एल्कोहल में फिनॉल ज्यादा एसिडिक है, तो करेक्ट सीक्वेंस हो गया 3 1 2 4। इस पर एक एनओ टू लगा है, फिर दो एनओ टू लगा है, फिर तीन एनओ टू लगा है, और एक बार रेफरेंस मतलब कुछ भी नहीं लगा है। OH एक एनओ टू लगा है पैरा पे, एक एनओ टू लगा है मेटा पे, एक एनओ टू लगा है आर्थो पे, और एक बार कुछ भी नहीं लगा है रेफरेंस, है ना। अब इनमें हमें देखना है कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है ना। ठीक है, तो देखिए एनओ टू माइनस आई और माइनस एम इफेक्ट लगाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप अगर लगा है तो वो एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। यहाँ पे दो ऐसे ग्रुप हैं जो माइनस आई और माइनस एम लगाएंगे, यहाँ पर तीन ऐसे ग्रुप हैं जो माइनस आई और माइनस एम लगाएंगे, और यहाँ पर कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जो माइनस आई या माइनस एम लगाए। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे सबसे ज्यादा एसिडिक वो होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक वो होगा जहां माइनस आई और माइनस एम ज्यादा है, यानी सबसे ज्यादा एसिडिक होगा थर्ड, उसके बाद सेकेंड, फिर फर्स्ट और फिर फोर्थ। ये जो थर्ड वाला है ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका नाम होता है पिकरिक एसिड। तो ये जैसे फिनॉल की जो पीके वैल्यू है वो 10 होती है, पीके वैल्यू इसकी पीके वैल्यू 7 है, इसकी पीके वैल्यू लगभग 4 है, और इसकी पीके वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, मतलब ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड की कैटेगरी में आता है। अब यहां पे देखिए तो ये एनओ टू माइनस आई और माइनस एम दोनों लगा रहा है, यहाँ मेटा पे केवल माइनस आई लगेगा, ध्यान रखिएगा मेटा पे मेजोमेरिक इफेक्ट के कारण चेंज नहीं आता है, यहाँ पर भी माइनस आई
और माइनस एम, और यहाँ पे ये रेफरेंस है। रेफरेंस मतलब यहाँ पे ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे या विड्रॉ करे। अब अगर इन चारों में देखा जाए कि सबसे ज्यादा A3 कौन सा है, तो देखिए यहां पर माइनस आई और माइनस एम लग रहा है फर्स्ट में, थर्ड में माइनस आई और माइनस एम, जबकि सेकेंड और फोर्थ में, सेकेंड में केवल माइनस आई और फोर्थ में तो माइनस एम भी नहीं है, माइनस आई भी नहीं है। तो बताइए इन चारों में लीस्ट एसिडिक कौन सा होगा, लीस्ट एसिडिक कौन सा होगा? लीस्ट एसिडिक तो फोर है, लीस्ट एसिडिक तो फोर है। फोर के बाद कौन सा आएगा? टू। फोर के बाद टू आएगा, और टू आने का रीजन ये है कि यहां पे कम से कम माइनस आई तो लग रहा है। अब सारा कंफ्यूजन सिर्फ ये बचा कि 1, 2, 3, 4 में ऑर्थो वाले में, पैरा वाले में, और ऑर्थो 1 और 3 में ज्यादा एसिडी कौन है? सिर्फ इतना बता दीजिए कि 1 और 3 में ज्यादा एसिडी कौन है, 1 या 3? 1 या 3? ओके, बहुत सारे लोग कह रहे हैं 3, कुछ लोग कह रहे हैं 1। अब जरा ध्यान सुनिएगा, सिर्फ ये बताओ कि 1 और 3 में माइनस एम कहाँ ज्यादा लगेगा, माइनस एम कहाँ है ज्यादा, 1 में या 3 में? माइनस एम कहाँ पे ज्यादा है, 3 में या 1 में? माइनस एम दोनों में बराबर है, बिकॉज माइनस एम डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है, माइनस एम डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। तो माइनस एम 1 और 3 दोनों में बराबर है, इक्वल है। अब बताओ माइनस आई किस में ज्यादा लगता है, 1 में या 3 में? माइनस आई कहाँ ज्यादा है, 3 में। तो जहां अब मेजोमेरिक बराबर है, मेजोमेरिक बराबर है, माइनस आई अगर 3 में ज्यादा है, तो अब बताइए ज्यादा एसिडिक कौन होना चाहिए? बिल्कुल डिस्टेंस कम, माइनस आई ज्यादा, तो सबसे ज्यादा एसिडिक 3 होना चाहिए, राइट? बिल्कुल, 3 की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए थी पैरानाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल और आर्थोनाइट्रोफिनॉल में। एक्सपेक्टेड यही था कि ज्यादा एसिडिक आर्थोनाइट्रोफिनॉल होना चाहिए, लेकिन यहां पे कहानी में एक ट्विस्ट है, होना चाहिए था इसको लेकिन होता है पैरा वाला। अब देखिए जरा ये कहानी में ट्विस्ट आया क्यों है, उसका रीजन ये है कि यहाँ पे OH और NO2 के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनने जाने के कारण अब हाइड्रोजन को डिसोसिएट होने के लिए, हाइड्रोजन को निकल के सॉल्यूशन में आने के लिए पहले हमें हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने के बाद वो आयनाइज होगा। और इसीलिए जहां पर पैरा वाले की पीके वैल्यू 7.0 है, इसकी बहुत थोड़ा सा चेंज आता है, 7.1 या 7.2 आ जाता है। तो इतना थोड़ा सा चेंज आता है, फिर भी कम एसिडिक स्ट्रेंथ तो हो ही गई है। अच्छा, ज्यादा चेंज क्यों नहीं आया? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड कोई इतना स्ट्रांग बॉन्ड नहीं है, वीक बॉन्ड है, इसलिए कम हुई है, पर इतनी भी कम नहीं हुई है कि मेटा वाले से कम हो जाए। तो इसलिए 1, 3, 2, 4 मतलब सबसे ज्यादा पैरा, फिर आर्थो, फिर मेटा और फिर रेफरेंस। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं, है ना? फिफ्थ एग्जांपल, इन चारों में अगर देखें कि ज्यादा एसिडिक कौन है, तो सिंपल सी बात है, जहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बिहेवियर ज्यादा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। यहाँ पे NO2 माइनस आई और माइनस एम मतलब ओवरऑल विड्रॉइंग, यहाँ पे OCH3 माइनस आई एंड प्लस एम मतलब ओवरऑल डोनेटिंग, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर रहा है। यहाँ पे Cl माइनस आई और प्लस एम बट ओवरऑल वीक विड्रॉइंग, ये स्ट्रांग विड्रॉइंग है, ये वीक विड्रॉइंग, और यहाँ पे ये रेफरेंस है, ना डोनेट कर रहा है ना विड्रॉ कर रहा है। तो अब अगर कोई विड्रॉ कर रहा है तो वो रेफरेंस ज्यादा एसिडिक होगा, डोनेट करने वाला रेफरेंस से कम होगा। तो सबसे ज्यादा डोनेट कर रहा है फर्स्ट, विड्रॉ कर रहा है फर्स्ट, तो सबसे ज्यादा एसिडिक भी फर्स्ट, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ, और चूंकि सेकेंड डोनेट कर रहा है और डोनेट करने पर हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है, इसलिए सिक्वेंस होगा 1, 3, 4, 2। अब ABCD चारों पर अगर हमें चार हाइड्रोजन है, यहां पर भी हाइड्रोजन, यहां पर भी, यहां पर भी हाइड्रोजन, इन सभी पे देखना है कि सबसे मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है। तो हाइड्रोजन वो ज्यादा एसिडिक होगा जहां से हाइड्रोजन निकलने के बाद बनने वाला एनायन ज्यादा स्टेबल हो। तो जब B पर एनायन बनेगा तो दो साइड से रेजोनेंस करेगा, जब A पर बनेगा तो एक साइड से रेजोनेंस करेगा, 1 डिग्री होगा। जब C पर निगेटिव आयन बनेगा हाइड्रोजन निकलने के बाद, तो वो सी डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस करेगा, और D पर जब बनेगा तो रेजोनेंस नहीं करेगा। तो ये हमने कल कार्बन आयन की स्टेबिलिटी में देखा था, जहां पे एनायन ज्यादा स्टेबल है वहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। कल हमने यही सेम एग्जांपल देखा था
यहां पर भी ऐसे ही कि अगर यहां पर निगेटिव आयन बनेगा तो कम रेजोनेंस करेगा, सी पर बनेगा तो उसमें एक्सटेंडेड रेजोनेंस होगा, और अगर बी पर निगेटिव आयन बनता है तो रेजोनेंस नहीं करेगा। इसलिए सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन सी है, फिर है उसके बाद ए, और बी वाला सबसे कम है क्योंकि बी वाला रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। देखने से क्या लगता है कि ये सी एस थ्री प्लस आई लगा रहा है, यहाँ पे दो सी एस थ्री प्लस आई लगा रहे हैं, और प्लस आई लगाने पर एसिडी की स्ट्रेंथ कम होती है। तो जो हमें पहली बार देख के एक्सपेक्टेड है, हमें ऐसा लगता है कि शायद एसिडी की स्ट्रेंथ वन की सबसे ज्यादा, टू की सबसे, फिर थ्री होना चाहिए, बट एक्चुअली ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। वन फिर टू फिर थ्री नहीं है, रादर जैसा हमने उम्मीद की थी उसका बिल्कुल ही डिफरेंट है। यहाँ पे एसिडी की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा थ्री की होती है, फिर टू की होती है, फिर वन की होती है, क्योंकि यहाँ पे एक इफेक्ट लगता है, कौन सा, आर्थो इफेक्ट एंड SIR, आर्थो एंड SIR इफेक्ट लग जाता है। ठीक है, आर्थो और SIR, क्योंकि अभी तक हमने सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ने के बाद भी आर्थो और SIR इसलिए नहीं पढ़ा था क्योंकि इंडक्टिव हो गया, रेजोनेंस हो गया, मेजोमेरिक हाइपर कॉन्जुगेशन, ये वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल में लगते हैं। ऑर्थो और SIR केवल स्पेसिफिक केसेस में ही लगते हैं। ठीक है, अब पहले अपन ऑर्थो इफेक्ट और SIR पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, तब तो आपको समझ में आएगा कि ऑर्थो और SIR का बेनिफिट क्या है, क्यों हम ऑर्थो और SIR इफेक्ट पढ़ रहे हैं। तो देखो ऑर्थो इफेक्ट होता क्या है, देखिए अगर बेंजोइक एसिड के आर्थो पोजीशन पर कोई भी ग्रुप लगाते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए था, अगर ये ग्रुप डोनेटिंग है तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई है। यहां पर दो ग्रुप लगाए हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ और कम होनी चाहिए लेकिन एसिडिक स्ट्रेंथ और बढ़ गई है। ठीक है, तो लिखिए व्हेनेवर एनी ग्रुप इज अटैच्ड एट ऑर्थो पोजीशन ऑफ बल्की ग्रुप इज अटैच्ड देन मॉलिक्यूल विल हैव आर्थो इफेक्ट। अगर आर्थो पोजीशन पर एक ग्रुप, एक बल्कि बल्कि ग्रुप लगा होगा तो हम उसको कहेंगे एट आर्थो पोजीशन ऑफ बल्कि ग्रुप व्हेनेवर वन ग्रुप इज अटैच्ड, व्हेनेवर ऐसा लिख लीजिएगा यहां पे, व्हेनेवर वन ग्रुप इज अटैच्ड एट ऑर्थो पोजिशन ऑफ बल्की ग्रुप मॉलिक्यूल विल हैव ऑर्थो इफेक्ट। SIR इफेक्ट कब लगेगा, SIR तब लगता है व्हेन टू ग्रुप्स आर अटैच्ड एट ऑर्थो पोजीशन ऑफ बल्कि ग्रुप। अब अगर बल्कि ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन पर एक ग्रुप लगा होगा तो ऑर्थो इफेक्ट, और दो लगे होंगे तो SIR। अब आपको यह समझ में आया नहीं कि ऑर्थो कब लगेगा और SIR कब लगेगा, बताइए जरा, आर्थो कब लगेगा, जब बल्की ग्रुप के बगल में एक ग्रुप लगा होगा, और SIR कब लगेगा, जब बल्की के बगल में दो लगे होंगे। तो बताइए वन टू थ्री में आर्थो किस में लगेगा, SIR किस में लगेगा, यस टू पे लगेगा आर्थो, बिल्कुल सही है, जब एक ग्रुप है तो यहां पे लगेगा आर्थो, और जब तीन ग्रुप है आर्थो पोजिशन पे तो यहां पर लगेगा SIR। आर्थो में लगेगा एक ग्रुप जब होगा तो आर्थो, और जब टोटल दो ग्रुप लग जाएंगे आर्थो पोजीशन पे तो SIR। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया, आर्थो कब लगेगा, तीन पे SIR, दो पे आर्थो।
अब यहां पे अगला क्वेश्चन ये है कि सर आर्थो और एसआईआर से होगा क्या? आर्थो लगने पर और एसआईआर लगने पर ऐसा क्या हो जाएगा मॉलिक्यूल में, चेंज क्या आएगा? तो देखो जरा, आर्थो और एसआईआर लगने पर मॉलिक्यूल में होता क्या है, ऐसा क्या हो जाएगा आर्थो इफेक्ट लगने पर? तो देखो, जैसे ये हमारे पास है बेंजीन रिंग, ये है बेंजोइक एसिड, इसका निगेटिव चार्ज है ना, हाइड्रोजन निकलने के बाद अगर इसने हाइड्रोजन निकाला होगा तो निगेटिव आयन बना होगा। अच्छा, ये वाला अगर निकालेगा तो ऐसा बनेगा, और तीसरा वाला जब निकालेगा क्या? आप लोग इस बात से एग्री हैं कि तीनों कंपाउंड हाइड्रोजन, एस आई आर स्टैंड फॉर स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, एस आई आर इज स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, है ना, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। ये तो समझ में आ गया कि एस आई आर कब लगेगा, आर्थो इफेक्ट कब लगेगा, पर एसआईआर और आर्थो इफेक्ट से होता क्या है और ये एक इफेक्ट है क्या, है ना, उसको समझने के लिए, एसआईआर इफेक्ट और आर्थो इफेक्ट है क्या, कैसे पता चलेगा कहाँ एसआईआर लगेगा कहाँ आर्थो, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन इनके कारण होगा क्या, ठीक है। अच्छा, इससे पहले आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इस निगेटिव आयन, हम स्टेबिलिटी किसकी चेक कर रहे हैं, हम इस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं या निगेटिव आयन की स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं, हम यहां पे क्या करने वाले हैं, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी या एन आयन की? एन आयन की। हमें इस बात से मतलब है कि मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल हो, कि हमें इस बात से मतलब है कि एन आयन ज्यादा स्टेबल हो, जरा खुद सोच के बताइएगा हम क्या चाह रहे हैं यहां पे, कि निगेटिव आयन स्टेबल। भाई एसिडिक स्ट्रेंथ तब ज्यादा होगी जब निगेटिव आयन स्टेबल होगा, आ रही है बात समझ में? अब देखिए यहां पे क्या है, छोटे छोटे से एटम, बेचारे छोटे एटम हाइड्रोजन लगे हैं, तो जब हाइड्रोजन लगा है तो ये पूरी रिंग, और ये ध्यान सुनिएगा, जब हाइड्रोजन लगा है तो ये पूरी रिंग और सी डबल ओ निगेटिव, ये दोनों एक ही प्लेन में हैं, ये मॉलिक्यूल प्लेनर है, प्लेनर होने के कारण ये सी डबल बॉन्ड ओ बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस करने लगेगा। अब अगर ये सी डबल बॉन्ड ओ निगेट, सी डबल बॉन्ड ओ बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा तो ओ निगेटिव के साथ रेजोनेंस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। हम किसको स्टेबलाइज करना चाहते हैं, निगेटिव आयन को, हम किसको स्टेबलाइज करना चाहते हैं, एन आयन को, लेकिन यहां एन आयन तो दूर हो गया, सी डबल बॉन्ड ओ बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस करने लगा, तो यहां पे एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ी है या घटी है? फर्स्ट केस में एनायन की स्टेबिलिटी कम होगी या ज्यादा? कम होगी। यहां पे क्या है, यहां पे क्या है, ये सी डबल ओ निगेटिव, अब ध्यान सुनिए, दूसरा केस, ये सी डबल ओ निगेटिव और ये सी एस थ्री अगर एक ही प्लेन में है तो अब इनके बीच में रिपल्सन होगा, रिपल्सन होने के कारण ये थोड़ा सा, अब उतना ज्यादा रिपल्सन नहीं क्योंकि एक ही हाइड्रोजन है, एक सी एस थ्री है, तो ये परफेक्टली प्लेनर था और ये नियरली प्लेनर होगा क्योंकि एक ही बल की ग्रुप लगाया है, एक ही हाइड सी एस थ्री लगाया, एक तो हाइड्रोजन है, तो यहां पे रेजोनेंस मैक्सिमम हो रहा था, किसके साथ, बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस मैक्सिमम हो रहा था, यहां पे बेंजीन के साथ, बेंजीन के साथ रेजोनेंस जाने में कमी आई है क्योंकि अब ये दोनों अलग अलग प्लेन में जा रहे हैं। अब क्या हो रहा है, ये दोनों अलग अलग प्लेन में जा रहे हैं, अगर एक वर्टिकल है तो दूसरा हॉरिजॉन्टल जा रहा है, नियरली प्लेनर,
तो इस बार बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में थोड़ा सा कमी आई है। क्या हो गया? रेजोनेंस कम हो गया। रेजोनेंस पहले जितना हो रहा था, यहां पे रेजोनेंस मैक्सिमम हो रहा है, जबकि यहां पे रेजोनेंस में कमी आई। ठीक है, ये वाला डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्डो के साथ रेजोनेंस नहीं करेगा, तो ये सी डबल बॉन्ड ओ जब इसके साथ रेजोनेंस नहीं करेगा, निगेटिव आयन यही तो चाहता था कि तुम इसके साथ रेजोनेंस ना करो और मेरे साथ रेजोनेंस कर करके मुझे स्टेबलाइज कर दो। तो इस बार निगेटिव आयन ज्यादा स्टेबलाइज हो गया। क्यों? क्योंकि अब ये सी डबल बॉन्ड ओ पूरी तरह से अवेलेबल है बेंजीन ओ निगेटिव के साथ रेजोनेंस करने के लिए। और यहां पे तो जब बल्कि दोनों तरफ लगा दिया है तो ये तो परफेक्टली नॉन प्लेनर हो जाएगा, ये नॉन प्लेनर हो जाएगा, मतलब अब ये दो अलग अलग प्लेन में हो जाएंगे। जब अलग अलग प्लेन में हो जाएंगे तो अलग अलग प्लेन में होने की वजह से अब ये बिल्कुल भी रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा ही नहीं। तो जब रेजोनेंस नहीं करेगा तो सी डबल ओ निगेटिव यही तो चाहता था कि मैं रेजोनेंस करने लगूं, राइट? तो यहां पे सी डबल ओ बॉन्ड ओ निगेटिव का ओ निगेटिव मैक्सिमम रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, यहां पे रेजोनेंस थोड़ा सा इन्वॉल्व होगा, और यहां पे निगेटिव आयन के रेजोनेंस में जाने की टेंडेंसी सबसे कम है क्योंकि इसका डबल बॉन्ड ओ रिंग के साथ ज्यादा रेजोनेंस करने में इन्वॉल्व है। तो अब बताइए कहां पर निगेटिव आयन ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है? इन तीनों में निगेटिव आयन कहां ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है? थर्ड में। तो निगेटिव आयन की स्टेबिलिटी यहां ज्यादा है, फिर टू में, फिर वन में। और हम यही पढ़ना चाह रहे थे कि जहां पर निगेटिव आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है वहां पर एसिडी की स्ट्रेंथ ज्यादा है, और इस तरह से हमने प्रूफ कर दिया कि थ्री की एसिडी की स्ट्रेंथ टू से ज्यादा, फिर वन। और फाइनल बात यह है कि बेंजोइक एसिड के आर्थो पोजीशन पर आप कोई भी ग्रुप लगाएंगे तो उसकी एसिडी की स्ट्रेंथ घटेगी नहीं बल्कि उसकी एसिडी की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, इसी को कहते हैं आर्थो इफेक्ट। अब अगला क्वेश्चन है कि सर कहां कहां पे SIR लग सकता है? क्या सिर्फ सी डबल ओ एच पे लग सकता है या और कहीं पर भी लग सकता है? आर्थो इफेक्ट कहां लग सकता है, सिर्फ सी डबल ओ एच पर या कहीं और? तो ध्यान सुनिएगा, जितने भी प्लेनर मॉलिक्यूल हैं, यहां पे क्या हुआ है, यहां पे हुआ क्या है, ये जो प्लेनर था सी डबल ओ निगेटिव प्लेनर था, ये आउट ऑफ प्लेन हो गया है। तो अब क्वेश्चन है कि किस पर SIR लगेगा, या कहें कि कौन आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा? जो प्लेनर होगा वो आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा, और अगर कोई प्लेनर ही नहीं है तो वो आउट ऑफ प्लेन भी नहीं होगा। तो जितने भी प्लेनर हैं, प्लेनर ग्रुप है, सब पर SIR लगेगा। तो लिख लीजिएगा SIR और आर्थो भी है ना, बस ध्यान क्या रखना है कि आर्थो तब लगेगा जब दो होंगे, SIR जब तीन होंगे, है ना। आर्थो और SIR कब अप्लीकेबल होगा? SIR इज अप्लीकेबल व्हेन प्लेनर ग्रुप इज प्रेजेंट। अगर ग्रुप प्लेनर है तो लगेगा। प्लेनर कैसा? जिसका वी शेप है। देखो कैसे प्लेनर वी शेप वाले कौन कौन से हैं, जैसे किन पर SIR लगेगा, सी डबल ओ निगेटिव, ठीक है, या सी डबल ओ एच है। देखो ये भी प्लेनर वी शेप है, इस पर लगेगा, और किस पर लगेगा, और जैसे NO2 है, NO2 पर भी SIR लगेगा, और जिस पर SIR लगेगा वो आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा। और देख लो कौन कौन से हैं, जितने भी प्लेनर हैं सब पे, जो भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है सब पे लग जाएगा, CHO पे, COCH3 पे, ठीक है। और देखिए और कौन से हैं जो प्लेनर हैं, जैसे CO NH2 पे भी लग जाएगा, और जो बल्कि हैं जैसे CH ये भी प्लेनर होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, साथ में बल्कि भी है, इस पर भी लग जाएगा। n
Me2 इस पर लग जाएगा। तो ये ऐसे ग्रुप हैं जिन पर SIR लगता है, ठीक है। अब SIR इन पर लगता है, फिर क्वेश्चन एक और हो सकता है कि सर पर क्या सभी में लग सकता है या कुछ ऐसे भी हैं जिन पर नहीं लगता है। तो उसके लिए देखिए, SIR इज नॉट अप्लीकेबल, इज नॉट अप्लीकेबल ऑन, अगर कोई सिंगल एटम है तो उस पर SIR नहीं लगेगा, सिंगल एटम पर नहीं लगता। अगर कोई लीनियर है तो लीनियर पर भी नहीं लगता। अगर कोई स्मॉलर है तो स्मॉलर ग्रुप पर भी नहीं लगता, छोटा सा ग्रुप है तो। और अगर टेट्राहेड्रल है तो टेट्राहेड्रल तो ऑलरेडी कैसा है, नॉन प्लेनर है। अगर कोई नॉन प्लेनर है तब तो वो आउट ऑफ प्लेन हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो नॉन प्लेनर जो है टेट्राहेड्रल, वो ऑलरेडी आउट ऑफ प्लेन है, जो पहले से ही आउट ऑफ प्लेन है वो और आउट ऑफ प्लेन नहीं हो सकता। तो टेट्राहेड्रल पर नहीं लगता एटम, लीनियर स्मॉलर एटम एंड टेट्राहेड्रल, इन पर कभी भी टेट्राहेड्रल ग्रुप्स, इन पर कभी भी SIR नहीं लगता। जैसे देखिए, क्या हैलोजन पे, एफ पे, सीएल पे, बीआर पे और आई पे, एफ सीएल बीआर आई हैं, क्या इन पर लगेगा? नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये कैसे हैं, एटम हैं, तो एटम पर SIR नहीं लगता। और लीनियर पे, जैसे अगर सी ट्रिपल बॉन्ड एन है तो चूंकि ये लीनियर है, कितना भी क्राउडिंग होगी लीनियर तो आउट ऑफ प्लेन होगा नहीं, तो सी एन पर नहीं लगेगा। स्मॉलर ग्रुप पे, सी एन पे, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच पे, इस पे नहीं लगेगा। स्मॉलर ग्रुप पे जैसे ओ एच है या एन एच टू है, इन पर SIR नहीं लगेगा, ओ एच और एन एच टू। या फिर स्मॉलर जैसे सी एच टू पॉजिटिव है, सी एच टू निगेटिव है, इन पर SIR नहीं लगेगा। और टेट्राहेड्रल पर भी नहीं लगेगा, जैसे एसओ थ्री एच बल्की भी है पर एसओ थ्री एच कैसा होता है, टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल तो ऑलरेडी आउट ऑफ प्लेन है। तो देखो, बहुत काम की बात सुनो, फाइनली ये वाले हैं जिन पर SIR लगता है और ये वाले हैं जिन पर SIR नहीं लगता। कुछ पर लगता है, कुछ पर नहीं लगाता, नहीं लगता है ना। कुछ ऐसे हैं जिन पर SIR लगेगा, कौन से ऊपर वाले, कुछ ऐसे हैं जिन पर SIR नहीं लगेगा, कौन से नीचे वाले। फिर एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर SIR लगाता कौन है, इनके आर्थो पोजीशन पर कौन हो जो SIR लगा सकता है। हाइड्रोजन के अलावा जितने हैं सब SIR लगा कोई भी सकता है, लगेगा केवल इन्हीं इन पर। जैसे अगर हमारे पास बेंजोइक एसिड है, इसके आर्थो पोजीशन पे इनको मान लेते हैं एक्स, ठीक है ना, एक्स हो अगर तो SIR लगेगा। और यहां पे कोई सभी हो सकता है ग्रुप, है ना, यहां पे कोई सभी ग्रुप हो सकता है, यहां पे वाई में कोई सभी ग्रुप हो सकता है, बस y इज इक्वल टू हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ऐसी हर कंडीशन में SIR लगेगा, ठीक है। अब y में ये वाले भी हो सकते हैं, नीचे वाले भी हो सकते हैं, जैसे Cl पर SIR लगेगा नहीं, Cl यहां नहीं आ सकता है। अगर Cl यहां है, यहां पे कोई भी ग्रुप लगा दो तो Cl पे SIR नहीं लगेगा, लेकिन यहां पे अगर ग्रुप है और यहां Cl लगे तो Cl NO2 पर या इस पर SIR लगा सकता है। तो काम की बात क्या है, लगेगा ऊपर वालों पर केवल, लगा कोई भी सकता है, नीचे वाले में भी और ऊपर वाले भी लगा सकते, ठीक है ना। अब देखिए, ये तीन कंपाउंड है, हमें देखना है कि इन तीनों में ज्यादा एसिडिक कौन है। तो ये हो गया रेफरेंस, यहां पे सी डबल ओ एच के बगल में सी एस थ्री लगा है, आर्थो इफेक्ट लगेगा, यहां पे एनओ टू आर्थो इफेक्ट लगाएगा। अब देखिए, ये साइक्लोहेक्सेन है, ये भी साइक्लोहेक्सेन है। अगर सिर्फ साइक्लोहेक्सेन है तो साइक्लोहेक्सेन में आर्थो और SIR नहीं लगता,
आर्थो और SIR केवल बेंजीन रिंग पर लगेगा। तो यहां पे देखिए, यहां पर SIR लगेगा, यहां पे SIR या आर्थो है ना, यहां पे आर्थो लगेगा, यहां पे आर्थो लगेगा, जबकि यहां पे आर्थो नहीं लगेगा और यहां पर भी आर्थो नहीं लगेगा। अब आर्थो इफेक्ट इन दोनों में लग रहा है, लेकिन CH3 यहां प्लस आई लगा रहा है, यहां पे NO2 माइनस आई लगा रहा है और माइनस एम भी, यहां पे प्लस आई और प्लस एच आर्थो इफेक्ट दोनों लगा रहे हैं। तो अब बताइए, आर्थो इफेक्ट दोनों लगा रहे हैं, 1, 2, 3, 4 में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? 1, 2, 3, 4 में सबसे ज्यादा एसिडिक 4, क्योंकि आर्थो इफेक्ट तो दोनों पे लग रहा है, वहां पे अलग से माइनस आई और माइनस एम भी लग रहा है। 4 के बाद, 4 के बाद 2, 4 के बाद 2। अब यहां पे NO2 केवल माइनस आई लगा रहा है, आर्थो इफेक्ट नहीं लगेगा ना SIR लगेगा, यहां पे केवल प्लस आई। तो 4, 2, उसके बाद 3 और सबसे कम 1। यहां पे NO2 माइनस आई भी लगाएगा, माइनस एम भी लगाएगा और COOH पर SIR भी लगा है। SIR COOH की एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो यहां पे 3 फैक्टर है जो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं, 1 NO2 का माइनस आई, 1 NO2 का माइनस एम और 1 COOH पर लगने वाला SIR। तो 3 फैक्टर है जो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं, यहां पे सिर्फ 2 फैक्टर हैं, 1 NO2 का माइनस आई और 1 NO2 का माइनस एम। ठीक है, पहले बताओ ये समझ में आ गया क्या? पहला समझ में आया कि 3 फैक्टर है माइनस आई, माइनस एम और SIR, जबकि सेकंड में केवल 2 फैक्टर है माइनस आई और माइनस एम। अब देखिए, NO2 को माइनस एम लगाने के लिए, अगर हम चाहते हैं NO2 माइनस एम लगाए तो उसके लिए जरूरी है, अगर हम चाहते हैं कि NO2 माइनस एम लगाए तो जरूरी है कि NO2 बेंजीन रिंग के साथ एक प्लेन में हो, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि रेजोनेंस के लिए सभी ग्रुप एक प्लेन में होना जरूरी है। अब जरा देखिए यहां पे हुआ क्या है, यहां पे ये ऐसा है, ये ऐसा, ऐसा, ऐसा। अगर हम चाहते हैं कि NO2 माइनस एम लगाए तो इसके लिए NO2 को बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस करना होगा, बट यहां समस्या ये है कि ये दोनों SCH3 इस NO2 पर SIR लगा देंगे, तो अब SIR के कारण ये NO2 आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा। मतलब अगर ये वर्टिकल प्लेन में है तो रिंग हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो जाएगी। इसका मतलब यहां पे NO2 बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस शो नहीं करेगा। जब रेजोनेंस शो नहीं करेगा तो मेजोमेरिक इफेक्ट भी नहीं होगा, मतलब यहां पे ये अपना माइनस एम इफेक्ट शो नहीं करेगा, केवल माइनस आई शो करेगा। क्यों? क्योंकि इस पर SIR लग गया। तो अब अगर मैं बात करूं 1 और 3 में ज्यादा कौन खींच रहा है, तो यहां पे NO2 पे माइनस आई और माइनस एम NO2 दोनों लगा रहा था, जबकि यहां पे NO2 माइनस आई तो लगाई, क्योंकि माइनस आई कॉन्जुगेशन रेजोनेंस पर डिपेंड नहीं करता, बट वो माइनस एम नहीं लगाएगा क्योंकि वो आउट ऑफ प्लेन हो गया है, रेजोनेंस नहीं कर रहा है। अब आप खुद बताइए 1 और 3 में ज्यादा एसिडिक कौन है, 1 या 3? अच्छा, 2 और 3 में ज्यादा एसिडिक कौन सा है? 2 और 3 में ज्यादा एसिडिक 2, 2 और 3 में 2, क्योंकि 2 में माइनस आई और माइनस एम दोनों लग रहा है, लेकिन 3 में केवल माइनस आई लग रहा है। तो एक बात तो जिस बात से मुझे लगता है सभी लोग एग्री हैं, वो ये है कि 1, 2 और 3 में सबसे ज्यादा एसिडिक 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। अब हमें पोजीशन निकालनी है 4 की, हमें निकालनी है 4 की। दीक्षा बहुत बढ़िया बेटा, आप शुरू से बोल रहे हैं कि 4 ज्यादा एसिडिक है, मेरी बात अब जरा ध्यान से सुनिएगा। SO3H का अगर स्ट्रक्चर देखें, ध्यान से देखिए SO3H का भी मैं स्ट्रक्चर यहां पे बना देता हूं।
एसओ थ्री एच ऐसा है और एसओ थ्री एच अगर ऐसा है तो ये माइनस आई लगाएगा, माइनस आई तो लगाएगा। अब आपको बताना है माइनस एम लगाएगा या नहीं लगाएगा, एसओ थ्री एच यहां पे सी डबल ओ एच पे माइनस एम लगाएगा या नहीं लगाएगा, नहीं लगाएगा, लगाएगा। कैसे पता करें कि एसओ थ्री एच माइनस एम लगाएगा या नहीं, लगाएगा। एसओ थ्री एच माइनस एम लगाएगा और नहीं लगाएगा, नहीं है एसओ थ्री एच। अच्छा नहीं लगाएगा। अच्छा मैं आपको फिर से एक बार ले चलता हूं प्रीवियस स्लाइड में, शायद आपको कुछ याद आ जाए। हमने यहां पे लिखा था एस आई आर इज नॉट अप्लीकेबल ऑन एटम लीनियर स्मॉलर ग्रुप एंड टेट्राहेड्रल एंड एसओ थ्री एच इज टेट्राहेड्रल। एसओ थ्री एच टेट्राहेड्रल है। दीक्षा अभी थोड़ी देर रुक जाओ तुम, है ना, मैं तुमसे बात करूंगा थोड़ी देर में, ठीक है। बाकी लोगों को भी आंसर करने दो, दीक्षा मैं तुमसे थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा, ठीक है। अभी तो तुम्हें आ रहा है ये क्वेश्चन, बाकी लोगों को करने दो जरा। अब देखो यहां एसओ थ्री एच माइनस आई और माइनस एम लगाता है ना, दोनों लगाएगा क्योंकि एसओ थ्री एच पर एस आई आर लगता नहीं है। अब जरा बात ध्यान से समझना, यहां पे एसओ थ्री एच माइनस आई माइनस एम लगा रहा है, यहां भी माइनस आई माइनस एम, इसमें भी माइनस आई माइनस एम और यहां माइनस आई माइनस एम नहीं है। अब बात सिर्फ ये पर फंसती है कि किसका माइनस आई और माइनस एम ज्यादा है। तो मैं आपको एक पॉइंट यहां बता देता हूं, एनओ टू का माइनस आई और माइनस एम एसओ थ्री एच से ज्यादा है, ठीक है। तो अब जरा एक बार बता दीजिए, इस सीक्वेंस में एक बात तो क्लियर है ना, कि माइनस आई और माइनस एम एसओ थ्री एच का कम है। तो अब बताना है 1 2 3 4 में सबसे ज्यादा एसरी कौन है, मतलब 1 2 3 तो सबसे कम है, ये तो पक्की बात है, 3 तो सबसे कम है, पक्की बात है, इस बात पे कोई शक नहीं है कि 3 सबसे कम नहीं है। अब मेरा क्वेश्चन सिर्फ एक है कि 4 कहां पे आएगा इस सीक्वेंस में, 1 2 4 3, वन मोर एसिडिक। अच्छा तो ध्यान से देखिए, चलिए इसके रहस्य से पर्दा हटा देते हैं। सबसे ज्यादा एसिडिक आएगा 4। अब ध्यान से देखिए उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि कहीं पर भी सी डबल ओ एच हो और एसओ थ्री एच हो तो एसओ थ्री एच ही ज्यादा एसिडिक होता है। तो चाहे कुछ भी इफेक्ट लगाओ, कुछ भी करो, एसओ थ्री एच इज ऑलवेज मोर एसिडिक देन सी डबल ओ एच। क्यों? क्योंकि मैं अगर आपको आज की पहली स्लाइड पे ले जाऊं तो मैंने पहला क्वेश्चन यही पढ़ाया था कि सल्फोनिक एसिड इज ऑलवेज मोर एसिडिक देन सी डबल ओ एच, ये आज हम पहले ही पढ़ चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन भी यही है, जहां से शुरू किए थे वहीं पे खत्म करते हैं। एसओ थ्री एच इज ऑलवेज मोर एसिडिक देन सी डबल ओ एच, चाहे माइनस आई कुछ भी हो, पर एक बात पक्की है कि एसओ थ्री एच इज मोर एसिडिक देन सी डबल ओ एच, इसलिए करेक्ट सीक्वेंस 4 1 2 3 हो जाएगा।